नमस्ते, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं कच्चे केले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमने कच्चा केला लिया है। अब केला का छिलका निकालेंगे। छिलका निकाल के रख लिया है। अब इसे बीच से दो टुकड़ा करेंगे। और मोटा मोटा काटेंगे। अब चाहे गोल गोल भी काट सकते हैं। अब इसे पानी में डालेंगे। सारे केले को काट के रख लिया है। देखिए कितना मोटा मोटा काटे हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब इसमें मेथी डालेंगे और जीरा डालेंगे। और मेथी जीरा चटकने के बाद इसमें केला डालेंगे। डालने के बाद इसे चलाएंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक देके अच्छे से चलाएंगे और इसे भुनेंगे मीडियम आंच में। और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने प्याज लिया है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है और एक ठो टमाटर लिया है। अब इसे पीसेंगे। देखिए हमने पीस के रख लिया है। और सब्जी भी आधा पक गया है। देखिए अब इसमें मसाला डालेंगे जो पीस के रखा था हमने, अदरक लहसुन और प्याज और टमाटर। और चलाते हैं।
अब इसमें धनिया पाउडर देंगे, और जीरा पाउडर देंगे, और काली मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, अब इसे चलाएंगे। जिस जार में हमने मसाला पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी लेके धो के डालेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब इसे अच्छे से भुनेंगे मसाले को। और रेसिपी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। देखिए कितना अच्छा से भुन गया है। अब इसमें पानी डालेंगे। आप जितना ग्रेवी रखेंगे उसी हिसाब से पानी डालना है। थोड़ा सा और डालेंगे पानी। अब इसे कवर करेंगे। कवर हटा के देखेंगे, देखिए सब्जी में कितना अच्छा उबाल आ रहा है और कितना अच्छा बना है, और सब्जी अच्छा से पक गया है। देखिए ग्रेवी कितना अच्छा बना है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। और अच्छे से चलाएंगे। देखिए सब्जी बनके रेडी हुआ है, बन गया है। अब इसे एक प्लेट में निकालते हैं। अब इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। नमस्ते, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।